प्यारे दोस्तों, मैं हूँ जया और आज हम वॉलीबॉल के बारे में जानेंगे। वॉलीबॉल कोर्ट 18x9 मीटर्स का होता है, जो दो हाफ्स में बांटा जाता है। बीचों बीच एक मीटर वाइड नेट लगाई जाती है, जिसकी लंबाई 10 मीटर्स होती है और ऊंचाई मेन के लिए 2.43 मीटर्स और विमेन के लिए 2.24 मीटर्स होती है। कोर्ट में खिलाड़ी इस तरह से खड़े होते हैं, सेटर, राइट साइड अटैकर, काउंटर अटैकर, यूनिवर्सल, सेंटर ब्लॉकर और लिबेरो। वॉलीबॉल स्किल्स को दिखाने के लिए पासिंग, सेटिंग, स्पाइकिंग, ब्लॉकिंग, डिगिंग और सर्विंग जैसी टेक्निक्स बहुत जरूरी है। इस खेल में अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए बॉल को नेट के ऊपर से अपने विरोधी टीम की तरफ उछालना होता है। विरोधी टीम को उसी तरह बॉल को वापस करने से पहले उसे अपनी तरफ बाउंस होने से रोकना होता है। हर टीम में 6 प्लेयर्स होते हैं, जिनमें से 3 अटैक लाइन से पहले और बाकी 3 उनके पीछे खड़े रहते हैं। टीम एक पॉइंट तब स्कोर करती है जब वो बॉल को सफलतापूर्वक विरोधी के कोर्ट में गिरा देती है या विरोधी टीम कोई फॉल्ट करती है। बॉल को विरोधी कोर्ट में पहुंचाने के लिए हर टीम बॉल को 3 बार पास कर सकती है। तीसरी बार में बॉल विरोधी टीम की तरफ होनी चाहिए, नहीं तो फाउल माना जाता है। सेट वो टीम जीतती है जो कम से कम 2 पॉइंट्स की लीड के साथ पहले 25 पॉइंट्स स्कोर कर लेती है। जो टीम 3 सेट्स जीत लेती है वो विनर मानी जाती है। वॉलीबॉल में कुछ पेनल्टीज होती हैं, जैसे सर्व करते वक्त लाइन पर या उसके आगे पैर रखना, बॉल को नेट के ऊपर से साफ तरीके से सर्व ना कर पाना, बॉल को गलत ढंग से हिट करना, खेल के दौरान किसी भी शरीर के हिस्से को नेट से छूना मना है। चाहे आप कितने भी अच्छे खिलाड़ी हो, सुरक्षा नियम जरूरी हैं। उचित तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी टीम के खिलाड़ियों पर नजर रखनी चाहिए और बॉल को खेलने से पहले कॉल करनी चाहिए, ताकि दूसरे खिलाड़ी आपस में टकरा ना जाएं। तो आओ इस एक्साइटिंग और एक्सप्लोसिव एक्शन वाले गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाओ।